गुड इवनिंग। सो आज मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है फोर्थ फेब्रुअरी। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ह्यूज क्वांटिटी में राजमा। तो आज मैं बनाऊंगी राजमा एंड चावल, और बहुत सारा क्वांटिटी में बनाना है राजमा, 1.5 किलो 1.5 kg राजमा मैं भिंगो के बॉईल करके रखी हूँ, उसका बनाना है अभी कड़ी। और चावल भी ह्यूज परिमाण में बनाना है, तो आज राजमा चावल होगा डिनर में, और कुछ पार्सल भी जाएगा। एक्चुअली डिस्पोजल में मैं पैकिंग करूँगी और जाके थोड़ा सा दे के आएंगे जो स्ट्रीट में रहते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा खाना जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। एक्चुअली कल कुछ स्पेशल डे है, कल वाला ब्लॉग में ही आपको पता चलेगा। इसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी कल तक, तो इसीलिए इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। कल कुछ स्पेशल डे है, तो इसीलिए कल वाला स्पेशल डे के लिए आज का ये वाला डे को हम लोग को ऐसा करके करने का इच्छा था, इसीलिए आज मैं राजमा चावल बनाऊंगी और पैकेट करके जाके दे के आएंगे खाना, और डिनर हम लोग वही करेंगे। हर कल जो स्पेशल डे है उसके लिए तो जो होगा होगा, कल ब्लॉग में आपको पता चलेगा। कंटिन्यू देखते रहिए, पता चल जाएगा। अभी बज रहे हैं 6:30, बट अभी तक भी कितना अच्छा उजाला है देखिए। यहाँ पर है बहुत सारा राजमा जिसको बॉईल करके मैं रखी हूँ, तो अभी इसका करी बनाना है। यहाँ पर मसाला भी एकदम रेडी है, जस्ट फ्राई करके करी को बनाना है। पहले ये सब बर्तन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सारा धुला हुआ बर्तन है। बड़ा सा पतीला बैठ गया है, इसमें ऑयल तेजपत्ता दे दी हूँ, और यहाँ पर मसाला है प्याज लहसुन अदरक टमाटर मिर्चा, सारे का पेस्ट है। तो ये पूरे पेस्ट को मैं इस ऑयल में दे दूंगी। इसमें नमक नहीं है, तो नमक भी मसाले में नमक दे दूंगी ताकि अनियन जल्दी से फ्राई हो जाए। हल्दी, धनिया, जीरा थोड़ा सा कम, धनिया थोड़ा ज्यादा। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है। राजमा करी और चावल भी बन गया है, रोटी भी बन गया है। अभी हस्बैंड का ड्यूटी है उसको पैक करना, तो वो पैक करेगा, और मैं अभी थोड़ा सा बालूल बना के चाय लेके बैठी हूँ। अभी घर पे बज रहा है 7:45, तो मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीते पीते एक सीरियल वॉच करूंगी डेली जो मैं करती हूँ, दिया भी जला दी हूँ, तो सब हो गया। जस्ट चाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, खाना दे के आएंगे, उसके बाद हस्बैंड आके खाएंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी बज रहा है 7:15, खाना दे के आते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। भाभी गई, भाभी मॉर्निंग। सो आज है नेक्स्ट डे, तो जैसे आप सबको बोले थे कि मैं आज है स्पेशल डे, जी हाँ, आप सबको पता चली गया होगा कि केक कटिंग हो रहा है। आज हम लोग का एनिवर्सरी है, तो आज हम लोग का 5th ईयर एनिवर्सरी है, तो ये केक पहले कटिंग हुआ है। तो अभी बज रहा है घड़ी पे 2, तो 2 बजे हम लोग केक कटिंग किए। जो केक मैं कटिंग की हूँ हम लोग, वो मेरी सिस्टर बनाई है कल रात को, तो अभी फर्स्ट ये वाला केक कटिंग किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी फेडी होके थोड़ा सा बाहर लंच करने, तो मैं सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट की हूँ, अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के बाद आके फिर रात को खाना वाना बनाना है,
मेरी फ्रेंड उनका हस्बैंड ये आएंगे, फिर रात को भी केक कटिंग होगा, तो वीडियो देखते रहिए। और यहाँ पर मेरा बेटा रेडी हो गया है, मैं ना कॉम भी नहीं की हूँ, जस्ट नॉर्मल से ऐसे ही पड़ा हुआ जस्ट, और कितने ब्लैक हो गई हूँ जब से आउटिंग करके आई हूँ ना, तब से बहुत ज्यादा डार्क हो गया है स्किन, कुछ भी मेंटेन नहीं हुआ है ना, इसलिए डार्क हो गया। आ रही है आज मैं जंपसूट पहनी, तो ये मेरा हस्बैंड पहले मुझे गिफ्ट किए थे एनिवर्सरी के लिए, तो इसीलिए आज यही वाला पहन लिए है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, तो वहां जाके बात करते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं और अभी बहन लॉक कर रही है, हस्बैंड और बेटा निकल गया है, पूजा मम्मी पापा दे दिए हैं, मम्मी भी वहां दे दी है, और आने के टाइम कुछ सब्जी ले लेना क्योंकि एक्चुअली पूर्णिमा है आज, तो पूर्णिमा में हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो इसलिए वेज ही खाना है, तो इसीलिए वेज का कुछ आइटम बनेगा और दो गेस्ट आएंगे, सबको मिलके सेलिब्रेट करेंगे शाम को। यहाँ बैठ गया है बाबी बाबी बाबी, इतना ज्यादा गर्मी, आज दोपहर का टाइम बाहर निकले तो अभी पता चल रहा है कि गुजरात में फर्स्ट गर्मी का फील हो रहा है। आज है 5 फरवरी, आज एकदम बहुत गर्मी लग रहा, पूरा स्वेटिंग हो गए है, बेटा भी स्वेटिंग हो गया, तो यहाँ पर हम लोग रुके थोड़ा सा रिफिल करने के लिए गाड़ी में, उसके बाद निकलेंगे। काफी गर्मी है, पूरा जो स्वेटिंग से भर गया, बहुत धूप बहुत धूप। तो हम लोग आ गए हैं, ये है तुलसी रेस्टोरेंट, ये काफी अच्छा है, चलिए अंदर जाते हैं। Cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and so. Can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly. धूप है तो हम लोग निकल गए हैं, लंच हो गया हम लोगों का, तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं मैड केक, तो यहाँ से केक ले लेते हैं। बेटा बैठा है सिस्टर के साथ, पसीना से क्या हालत हो गया, पूरा काले, बेटा भी पूरा तंग हो गया है। अभी हम लोग आए हैं मंडी पे, केक लेना हो गया है, मंडी पे आए हैं, एक्चुअली सब्जी भाजी थोड़ा कुछ भी नहीं लेना हुआ, संडे है, मार्केटिंग भी नहीं हुआ, तो हस्बैंड गए हैं थोड़ा सा सब्जी भाजी लाने, रात को आज डिनर का जो मेनू है वो सब बनाना है, तो डिनर में आज बनाएंगे आलू दम, सूखी वाला आलू दम ग्रेवी, जो कश्मीरी आलू दम होता है, कश्मीरी आलू दम, उसके साथ होगा पूरी और जीरा राइस और पनीर पनीर का सब्जी, कढ़ाई पनीर, और खीर बनाएंगे, और उसके बाद आपका केक्स वगैरह तो सब है ही, तो ये सब बनाना है। तो अभी गए हस्बैंड सब्जी लेने, सब्जी ले रहे हस्बैंड, काफी धूप आ गया आज तो, भयंकर धूप है। घर पे आ गए हैं, पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इतना ज्यादा धूप आज, बाप रे बाप भयंकर धूप है आज पूरा एकदम। एक तो ऑलरेडी आउटिंग करने के बाद पूरा एकदम टैन आ गया है फेस में, बॉडी में, वो तो मेंटेन नहीं हुआ अभी तक, तो आज फिर से धूप में गए तो फिर से टैन, इतना ज्यादा धूप, पूरा रेड हो गया एकदम। बेटा भी पूरा परेशान हो गया धूप से, अभी वो बैठ के खेल रहे हैं, तो अभी थोड़ा मैं जा रही हूँ फ्रेश अप होने होके, उसके बाद डिनर का प्रिपरेशन में लगेंगे, और सिस्टर यहाँ पर घर द्वार थोड़ा सा सजाएगी अच्छे से, और अभी घड़ी पे बज रहे हैं 5:30। गुड इवनिंग, तो खाना पीना सारा बन गया मेरा, सिर्फ
कचौड़ियाँ छानेंगे, बस गेस्ट लोग को खाने देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ केक कटिंग करने। तो ये मेरा न्यू ड्रेस है, ये एक्चुअली मेरा भाई मुझे दिया था पूजा में, तो मैं नहीं पहनी थी इसीलिए इसको पहन ली। सुबह वाला जो पहनी थी वो मेरा हस्बैंड मुझे गिफ्ट किए थे एनिवर्सरी लिए, पहले ही गिफ्ट किए थे। तो ऑयली हेयर है इसीलिए ऑयल हेयर को सेट नहीं कर पा रहे, तो केक कटिंग कर लेते हैं। आज मेरा बेटा ही थोड़ा सा तंग कर रहा है, उसका तबीयत भी ठीक नहीं है शायद, दो फैमिली को बुलाया है, दो फैमिली आ गए, तो केक कटिंग पहले कर लेते हैं। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I love you. अभी दो फैमिली जो आए थे, एक फैमिली चल गए, उनको थोड़ा जल्दी था तो खाना पीना खा लिए है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा फोटो खींचे, बहुत सारा फोटो खींचे, और एक फैमिली है हम लोग के फ्रेंड जो, तो बहुत सारा फोटो खींचे। अभी भी वो बोल रहे कि और फोटो खींचना है, तो फोटो खींचने के बाद मैं ड्रेस भी चेंज कर लूंगी। और कचौड़िया सब्जी खीर सबको बहुत पसंद आया। अभी बज रहा है 11:30, तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, मतलब मैं और मेरी सिस्टर खाने जा रहे हैं, हस्बैंड खा चुके हैं सबके साथ ही। तो अभी जस्ट और एक फैमिली जो था अभी जस्ट निकले। खाना सबको बहुत पसंद आया, जैसे मैं जितना मैं बनाई थी सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा सबको खाना। और एक फैमिली जो मेरी फ्रेंड है वो मुझे ये बुके दिए, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे फ्लावर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली रोजेस। सो बट ये वाला मल्टी कलर का एक बुके है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि बुके मुझे गिफ्ट मिला, ऐसा एनिवर्सरी में गिफ्ट सब कोई ये वो देते हैं तो कॉमन हो गया है घर सजाने का चीज ये सब, बट बुके बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत पसंद, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे अच्छा, मेरे को सबसे पसंदीदा गिफ्ट दिए जो है रोजेस का बुके, रेड रोजेस, मुझे ये बहुत पसंद है। बैकग्राउंड मत देखिए, बैकग्राउंड में बाकी बहुत सारा कपड़े है जो मुझे ऑर्गेनाइज करना है। वाला बेडशीट आज मैं बिछाई हूँ, ये मेरा शादी वाला बेडशीट है, रिसेप्शन में मैं बिछाई थी इसको, आज 5 साल में बिछाई हूँ। ऐसे डेली वेयर में नहीं बिछाती हूँ, ओकेजनली बिछाती हूँ। बट इसका जो पीलो कवर है ना, तो एक ही पीलो कवर लेके आना हुआ, एक पीलो कवर शायद घर पे है, तो दो पीलो कवर है बट एक ही आया है, एक शायद घर पे रह गया है, तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब लेके आएंगे। अभी हम जाते हैं खाने, क्योंकि काफी टाइम हो गया, बहुत टायर्ड भी लग रहा है, और हस्बैंड का कल ड्यूटी भी है। बहुत बैकग्राउंड खराब है, सारे सामान पूरा बिखरा हुआ है, इग्नोर। सो चलिए रखती हूँ, मिलती हूँ कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।